और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, मेहुल चौकसी जिन्होंने घोटाला किया, आरोप उनके ऊपर घोटाले को लेकर, लेकिन प्रत्यर्पण की कोशिश को इस बीच एक झटका, क्योंकि पासपोर्ट अपना सरेंडर उन्होंने कर दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें अपने बेगुनाह होने की तमाम बातें कही थी, जांच में सहयोग की बात कही थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों को पासपोर्ट सौंप दिया है। ये पासपोर्ट नंबर भी मेहुल चौकसी का हम आपको दिखा रहे हैं। बैंकों के साथ धोखाधड़ी और घपलेबाजी की ये आरोप जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के हैं, जिसके बाद से दोनों ही देश से बाहर, और ऐसे में कोशिशें लगातार ये हो रही थी कि प्रत्यर्पण कराया जाए, भारत लाकर जांच को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पासपोर्ट अपना इन्होंने सौंप दिया है भारतीय अधिकारियों को। भारतीय नागरिकता भी छोड़ दी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो यहां से प्रत्यर्पणों की कोशिश को ये झटका माना जा रहा है, क्योंकि पासपोर्ट अगर सरेंडर कर दिया है, नागरिकता छोड़ दी है, तो ऐसे में ये प्रक्रिया यकीनन थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। अब यहां से आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की, भारतीय अधिकारियों की, ये देखना होगा। अपना एड्रेस इन्होंने एंटीगा का बताया है। इससे पहले एक इंटरव्यू भी आपको याद होगा सामने आया था जिसमें अपनी बेगुनाही की बात कह रहे थे, लेकिन अब यहां पर एक और स्ट्रेटेजिक मूव, और इसके साथ ही अब प्रत्यर्पण की कोशिशों को एक झटके के तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अब अंकित, क्या मतलब समझे इस खबर का? देखिए मीनाक्षी, विदेश मंत्रालय को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मेहुल चौकसी जो कि फरार है भारत से, उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। इससे जो हमने बात की मेहुल चौकसी के जो एंटीगुआ वकील हैं उनके मुताबिक, इससे जो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है मेहुल चौकसी के खिलाफ, उसको एक तरह से टेक्निकली तकनीकी तौर पर डिले करने में, यानी कि एक्सट्रेडिशन से, प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिलेगी मेहुल चौकसी को, क्योंकि जो जानकारी दी गई है भारतीय एजेंसियों की तरफ से एंटीगुआ की सरकार को, वो उसमें उनको भारत का नागरिक बताया गया है। सो एक तकनीकी पेंच पैदा करने की कोशिश की गई है मेहुल चौकसी की तरफ से। मेहुल चौकसी के, चूंकि अब लगता है कि उनको भारतीय पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मेहुल चौकसी ने भारतीय पासपोर्ट को और भारतीय नागरिकता को सरेंडर कर दिया है और पूरी तरह से अपने आप को एंटीगुआ का नागरिक घोषित कर दिया है। मेहुल चौकसी के वकीलों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनके प्रत्यर्पण में, उनके प्रत्यर्पण में देरी होगी, तकनीकी पेंच फंसेगा और वो ज्यादा समय तक भारतीय एजेंसियों के चंगुल से बचने में कामयाब रहेंगे। मीनाक्षी, शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।